अब जो आप गहराई में यहां डूबे हुए थे, थोड़े से ऊपर आ गए, फिर एक और चैप्टर हुआ यहां आ गए, एक और चैप्टर हुआ सर उस गड्ढे से बाहर आ गए, अब सर हम उड़ रहे हैं। कोई भी आपने उसेन बोल्ट की भागती हुई वीडियो देखी, मतलब वो भाग रहा है, उसके पीछे आवाजें आ रही हैं, दुड़ 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 ऐसी आवाजें आ रही हैं, आप उस वीडियो से इंप्रेस हुए, वो है खोखला मोटिवेशन, कुछ नहीं कर पाओगे, वो मुश्किल से 5 मिनट रहेगा आपके पास, फिर उसी आप नेगेटिविटी में फिर डूबते जा रहे हो जिस कमरे में आप बैठ के पढ़ रहे हो, समझ में। फिर सर फिर एक और उसेन बोल्ट की वीडियो देखे, अब ऐसे ही देखता रहेगा क्या, खुद कब बनेगा उसेन बोल्ट। हाँ सर, तो वी नीड परमानेंट मोटिवेशन, और परमानेंट मोटिवेशन जो है वो आता है काम करने से। कैसे आता है बेटा? काम करने से। अगर आज आपने कुछ नहीं किया तो ये जो आज का बोझ है ये कल हमारे कंधे और झुका देगा। आज भी आपने सारी हुसैन बोल्ट की वीडियो देखकर पूरा दिन निकाल दिया, तो आज हमारे पास अगर 35 दिन बचे हैं तो कल 34 दिन ही बचेंगे, परसों 33 दिन बचेंगे। तो ये जो हम काम नहीं कर रहे हैं यही हमें और उस गहराई में धकेलता जा रहा है। तो जो हम काम नहीं कर रहे हैं वो हमें गहराई में धकेलता जा रहा है, तो कौन सी चीज वहां से बाहर निकालेगी? काम करना। स्टार्ट डूइंग। आज एक चैप्टर, एक अपने आप को टारगेट दो कि आज एक चैप्टर मैथ्स का, फिजिक्स केमिस्ट्री का आप देख लीजिएगा, एक चैप्टर मैथ्स का कंप्लीट करके सोऊंगा। देखना कल अपने आप पढ़ने की इच्छा होगी, कल अपने आप पढ़ने की इच्छा होगी। बोले कल किया था ना भैया ये कंप्लीट, बोले आज क्या दिक्कत है, आज भी कर सकता हूं। और आप अगर सिर्फ बैठ के सोच ही रहे हैं कि शुरू कैसे करूं, तो शुरू करने का कुछ तरीका नहीं है, कोई मैथमेटिकल, कोई साइंटिफिक, कोई तरीका नहीं है। जस्ट बैठे वहां पर और किताब खोलें, पेन चलाना स्टार्ट करें, पढ़ना स्टार्ट करें, फॉर्मूले याद करना स्टार्ट करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, और ऐसे कर करके आप अपना मन मार के मन को बनाओ उसकी पुड़िया खिड़की से बाहर, और बोले पढ़ रहा हूं। समझ गए कि नहीं समझे? आया ना? हाँ, फोकस नहीं रहता, डिस्ट्रैक्शन आता है, ये सब फालतू की बातें हैं, बिलीव मी। आप एक बार पढ़ो तो सही, जैसे तैसे करके फोकस वोकस जितना भी तेरे पास है, भगवान ने थोड़ा बहुत तो दे के भेजा है, वो लगा एक बार। बोले ये 3 घंटे या 4 घंटे या 5 घंटे में एक मैथ्स का चैप्टर कंप्लीट करूंगा, उसके बाद में बात करते हैं। अब जो आप गहराई में यहाँ डूबे हुए थे, थोड़े से ऊपर आ गए, फिर एक और चैप्टर हुआ यहाँ आ गए, एक और चैप्टर हुआ सर उस गड्ढे से बाहर आ गए, अब सर हम उड़ रहे हैं, तो मैं अब हमें कोई नहीं रोक सकता, अब हमें ये सब वीडियोस देखने की भी जरूरत नहीं है। तो वी ऑल नीड परमानेंट मोटिवेशन, और परमानेंट मोटिवेशन आता है टास्क को अचीव करके, और किसी तरीके से नहीं आ सकता, बातें सुनने से भी नहीं आता है, किसी से बातें जाके करने से भी नहीं आता है। पढ़ने बैठे फोन मिला लिया अपने दोस्त को, अबे पिंकू तू कौन सा चैप्टर पढ़ रहा है? मैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहा हूँ। अच्छा, मैं तो ट्रिग्नोमेट्री लेके बैठा। अच्छा, पिंकू डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहा है इसलिए मैं भी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ूंगा। क्यों भाई, ये कहाँ का रूल है, कहाँ का रूल है, ये किस चीज को फॉलो कर रहे हो? अब आपने उसको फोन इसीलिए किया क्योंकि तुम पढ़ना नहीं चाहते हो, तुम अपने आप को डिले कर रहे हो कि कुछ और काम कर लेता हूं जो ऐसा लगे कि पढ़ाई से रिलेटेड है, नहीं है वो पढ़ाई से रिलेटेड। खुद पढ़, पिंकू क्या पढ़ रहा है उससे तुझे तेरे को कभी कोई फायदा नहीं होगा। पिंकू पिंकी जो पढ़ रहे हैं पढ़ने दे, जिस हिसाब से वो पढ़ेंगे उनको रिजल्ट मिलेगा। तू अपना सोच भाई, तू क्या कर रहा है।